हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरु जी में। तो आप थंबनेल देख ही रहे होगे, अच्छे से जो भर्तियाँ हैं उसमें कुछ बदलाव हुआ है और जो 10वीं पास कैंडिडेट है उनके लिए बड़ा झटका है। तो अगर आप जानकारी चाहते हैं कि कौन सी भर्तियों में बदलाव हुआ है तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास आए, सबसे पहले आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। 12वीं पास ही रखे क्लर्क, स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट बनने की आस। तो ये देख सकते हैं कि 12वीं पास है तो ही कैंडिडेट क्या है, क्लर्क और स्टेनोग्राफर या स्टेनोटाइपिस्ट बनने की आस रख सकता है। अब 10वीं पास अगर कोई कैंडिडेट क्लर्क बनने की सोच रहा है तो उनके लिए बड़ा झटका है। तो सरकार ने सभी विभागों के लिए 10वीं से बढ़ाकर 12वीं की शैक्षणिक योग्यता कर दी है। तो ये आप मैं आपको पूरी डिटेल से पढ़ के बता देता हूँ। हरियाणा सरकार ने 10वीं पास युवाओं को दिया बड़ा झटका। आने वाले समय में न तो सीधे क्लर्क जूनियर इंजीनियर स्टेनोग्राफर भर्ती हो सकेंगे और न ही ग्रुप डी में कार्यरत 10वीं पास कोई कर्मचारी इन पदों पर नियुक्त हो पाएगा। यानी दो 10वीं पास ग्रुप डी में कोई लगा है तो वो क्या है, आगे उनकी प्रमोशन नहीं हो पाएगी। हरियाणा सरकार ने भर्ती और पनौती नए सेवा नियम सर्विस लागू कर दिया है। अब 12वीं पास ही सीधे क्लर्क जूनियर सीनियर स्केल स्टेनोग्राफ स्टेनोटाइपिस्ट लग पाएंगे। तो सरकार ने इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं से बढ़ाकर 12वीं कर दी है। तो अब तक 5 विभागों को 12वीं में फर्स्ट डिवीजन पास को इन पदों पर लगाने की व्यवस्था थी। अब सरकार ने सभी विभागों में 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता कर दी है और मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों को इसे अपने सर्विस रूल्स में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। रूल से संशोधन पर कर 15 दिन में सामान्य प्रशासन विभाग को सभी विभागों को प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, डीसी और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को स्टेटस रिपोर्ट भेजनी होगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं किए जाने की अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार ने नए नियम को 7 नवंबर 2013 को ही मना दिए थे, लेकिन विभागों के सर्विस रूल को संशोधन करने के लिए लागू नहीं हो पाए। तो ये आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं अगर जो 10वीं पास कैंडिडेट अगर ग्रुप डी में अभी लगा था पीछे, तो अगर वो अपनी प्रमोशन की बात करें तो उनकी प्रमोशन होने का कम ही चांस है, क्योंकि जो योग्यता है वो बढ़ा दी गई है। तो इस हिसाब से क्या 10वीं पास कैंडिडेट को बड़ा झटका लगा है। तो ये जो कुछ नई इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।